अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फेवरेट क्रिकेट। आज की टॉप न्यूज़ के साथ आपके खिदमत में हाजिर। एशिया कप 2023 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान कर दिया गया। मेजबान पाकिस्तान की जानब से सिर्फ 4 और इंडिया के 10 साबिक क्रिकेटर्स शामिल। श्रीलंका खिलाफ सीरीज के लिए पाकिस्तानी पैनल में शरीक रमीज राजा को एशिया कप के कमेंट्री पैनल से आउट कर दिया गया। पाकिस्तान की जानब से वसीम अकरम, वकार यूनिस, बाकी खान और आमिर सुहेल कमेंट्री पैनल का हिस्सा होंगे। पाक अफगान ओडीआई सीरीज, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन के लिए स्टेडियम में एंट्री फ्री कर दी। फैंस बगैर टिकट के स्टेडियम में आकर मैच देख सकेंगे। याद रहे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज का पहला मैच 22 अगस्त रोज मंगल को श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर शेख अख्तर का कहना है कि रोहित शर्मा को कप्तानी नहीं संभालनी चाहिए, वो बतौर कप्तान दबाव में आकर घबरा जाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि विराट कोहली भी दबाव में आकर कभी कभी जारहाना अंदाज अपना देते हैं, लेकिन रोहित शर्मा बतौर कप्तान ज्यादा घबरा जाते हैं, इसलिए उन्हें इंडिया की कप्तानी नहीं करनी चाहिए। बाबर आजम की दोस्ती ने फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया, उस्मान कादिर का बयान। उन्होंने एतराफ़ किया कि स्किल्स और परफॉर्मेंस वो हतमी अवामिल हैं जो किसी भी खिलाड़ी की पाकिस्तानी स्क्वाड में जगह का तय्यन करते हैं। पाकिस्तान के साबिक मिडल ऑर्डर बल्लेबाज उमर अकमल का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के बाद ही क्रिकेट में बेहतरी आएगी। कम बैक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, नवाज शरीफ से दरख्वास्त की है, उम्मीद है जल्द कबूल हो जाएगी। दरख्वास्त के हवाले से उन्होंने मीडिया के ऊपर किसी भी किस्म का इंकशाफ नहीं किया है। आज के लिए अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। मजीद क्रिकेट के लेटेस्ट अपडेट सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।